योगी जी से किसी ने नहीं मिला, तब तक योगी जी से मिलने लूंगी तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। जी इसी बलात्कार से हुई थी। मैं ये चाहती हूँ पब्लिकली मेरे बच्चे का डीएनए हो। पूरी पूरी रात हम मंदिर में बैठे रहते थे बच्चे की सुरक्षा के लिए कि मेरे ऊपर अभी तो मेरे साथ में गैंगरेप और होगा, तेजाब डाला जाएगा मेरे ऊपर। खुद शादीशुदा होकर मेरे को कई लोगों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए बोला। तो नमस्कार मैम, कैसे हैं? नमस्ते सर जी। तो नाम बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम है गार्गी जी। और ये पहले गार्गी इटली करके ही था, अब मंजू चौपाटी हो गया है। तो मैम जो आपने ये स्टार्ट किया हुआ, जैसे आप और भी चीजें कर सकती थी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। पर दरअसल ऐसा था कि मेरे साथ में शोषण हुआ था। इस शोषण में दो लोग शामिल है, क्योंकि ये दोनों आरोपियों के नाम है और ये इन दोनों ने मिलकर मेरे साथ में शोषण किया था। जिस शोषण से ये गुप्तचर जो गुड़िया देख रहे हो, ये इसी बलात्कार से हुई थी। तो ऐसा था, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान करा था, टॉर्चर किया था, हम लोगों के ऊपर कई बार हमले किए गए थे। हमला इसलिए हुआ था जिससे कि जब बच्चा ख़त्म हो जाए मैं ख़त्म हो जाऊँ। कई बार गर्भवती हालत में ही मुझ पर हमला किया है, बच्चे के हो जाने के बाद में भी कई बार हमला हो चुका है हम पर। तो ये आपने मतलब ऐसे बच्चे को कैरी किया, ये आपका क्या थॉट था इसको लेके? मतलब ज़्यादातर तो लोग अवॉर्ड करा देते हैं, बट आपने बच्चे को कैरी किया तो ये भी बहुत मतलब हिम्मत वाली बात है। तो ये मतलब क्या सोच के साथ में किया आपने ऐसा? वैसे तो इंसान की अपनी राय है, अपना पर्सनल डिसीजन है, पर मेरा मानना है कि माँ जो होती है ना, वो जीवन देना जानती है, किसी का जीवन छीन नहीं सकती है जो एक माँ होती है। मुझे अपनी माँ से यही सीखने को मिला और यही संस्कार मिले, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे को, और फिर दूसरी बात मैंने कुछ गलत नहीं किया था जो मैं अपने बच्चे को रख नहीं सकती थी, गलत तो उल्टा मेरे साथ में हुआ था। तो ये रीज़न है मेरे पास, मैं अपना बच्चा नहीं मार सकती थी, कोई भी माँ नहीं ख़त्म कर। ये 2019 का मामला है जब मेरे साथ में बलात्कार हुआ है, जो 2019 का मामला है जी। ये शादी की आड़ में शोषण हुआ था, मतलब रिश्ते के लिए सामने से आए थे तो शादी की आड़ में शोषण हुआ था। और मेरी जब मैंने अपनी माँ से मिलवाया था तो उन बंदे ने ये बोला था कि वो अकेला है, अनाथ है, मतलब उसका आगे पीछे कोई है नहीं, उसका फैमिली मेम्बर कोई है नहीं है, मतलब झूठ, मतलब एक तरीके से षड्यंत्र कर ये इस घटना को अंजाम दिया गया। और इस घटना में दो लोग शामिल हैं, और जब हम पर जानलेवा हमला हुआ था तो इस हमले में बाकायदा उनकी फैमिली मेंबर भी इन्वॉल्व हैं, उनकी दोनों बीवियाँ इन्वॉल्व हैं। मतलब कहने का ये कि ये जो मतलब जो आरोपी है वो आपके लिए शादी का रिश्ता आया था, उसी आदमी का? हाँ, उसी आदमी का शादी का रिश्ता आया था आपके लिए? हाँ। ओके, कब की बात? और मेरी माँ तक से झूठ बोला कि वो अनाथ है। ये तो कैसे मतलब आपको ले गए थे कहीं ये लोग, या जबरदस्ती, या कैसे? नहीं भैया, ये सब कुछ रिश्ते की मतलब शादी की आड़ में हुआ है, ये सब कुछ शादी कर किया गया है मेरे साथ में। अच्छा, आपकी शादी हो गई थी? हाँ, शादी कर किया गया है। ओके, मतलब शादी आपकी हो गई थी? शादी हो गई थी, हाँ, मंदिर में शादी हुई थी। अच्छा जी। हाँ। मतलब फैमिली के साथ में? नहीं, फैमिली के सामने नहीं हुई थी, फैमिली के सामने शादी नहीं करी है। धरने पर बैठी थी मैं एक दिन के लिए, तो पूरी पुलिस के बल पर उसने हटा दिया मेरे को, क्योंकि जो दोनों जो आरोपी हैं और उनकी पूरी फैमिली, वो सबसे ये कहते बोल रहे हैं समाज में कि ये बच्चा न जाने कितने लोगों की पैदाइश है, मतलब मैंने बच्चे का सारा ले लेके न जाने कितने आदमियों को लूटा है मैंने। अभी एक बात बताइए, कहने वाली बात नहीं है, बुरा मत माना, अभी मैं ये कह दूँ ये बच्चा इनका है तो इनके मुँह में जवान नहीं है, ये नहीं कह पाएंगे ये बच्चा मेरा नहीं है। बताओ तो मतलब बच्चा जिसका होगा उसी का ही तो लगेगा कि हर किसी का बच्चा बन जाएगा, बताइए ये गलत है या सही? तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का पब्लिकली डीएनए हो, सब जाने कि ये बच्चा असल में है किसका। उन दोनों में से किसी से तो डीएनए मिलेगा, किसी से तो डीएनए मिलेगा। तो एक दिन धरने पर बैठी थी तो उसने पुलिस के बल पर हटा दिया, ऐसी पुलिस के बल पर उसने धाराएं भी कुछ कम करवा दिया। 376 का केस लगा हुआ गुड़िया, मतलब कन्फर्म है कि बच्चा उसी का है, पर वो स्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को पूरे समाज में। समाज में ये कह रहा है कि मैं चरित्रहीन हूँ, बच्चलन हूँ मैं। और जो उसका साड़ू है, जो बोली बलात्कार में शामिल है, जो उसका साड़ू है, पहले जब लेकर आया था जहाँ पे उसने मेरे को रखा था, तो दोस्त कहकर लेकर आया था, बाद में पता चला जब बच्ची मेरे पेट में थी तब पता चला कि वो उसका खास साड़ू है, आप समझ रहे हो ना, उसका खास साड़ू है। और वो भी दो दो शादी कर रखी है उसने अभी। तो जब इसके धरने पर बैठी थी तब कुछ मार्केट वाले ही कह रहे थे कि इन लोगों ने मिलकर न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करी है। मार्केट वालों ने बताया था कि न जाने कितनी लड़कियों की लाइफ खराब करके रख रखी है इन लोगों ने, तुम पहली लड़की हो जिसने आवाज़ उठाई है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में भी मतलब दुख कोई कम नहीं हुए थे, उसके बाद में भी कभी दिल्ली जा रहे हैं, जो कोई बता रहा है ना कि आप उधर जाइए उधर जाइए, हम अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहे थे
अब भाई किसी जैसे कोई भी इंसान थोड़ा बड़ा हो जाए तो इतना आसान तो होता नहीं है किसी से मिलना। अब कुछ लोग कहते हैं मुख्यमंत्री से मिलिए, हम 3-4 बार होकर आए हैं वहाँ पे, कई बार होकर आए हैं पर हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। तो वो व्यक्ति भी बिजी है, कोई छोटा मोटा पद तो है नहीं उनका कि जाओगे और एकदम एक झटके में मिल लोगे तुम। जो जैसे कह रहा था हम वैसे ही कोशिश कर रहे थे, पर जब बहुत ज़्यादा हार गए, बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, तो हमें लगा कि अब हमें कुछ ऐसी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग काम धंधा नहीं करने दे रहे थे। मैं जॉब लगाती थी, जॉब की बात कर कर आ रही हूँ इधर, अगले दिन ही मना हो जाती थी कि मेरे को जॉब नहीं दी जाएगी। मतलब मेरे लिए उल्टा सीधा बोल दिया जाता था कि मैं फ्रॉड हूँ, फ्रॉड करके मैं मतलब इस तरीके से बच्चे पैदा करती डोल रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैंने सजा पब्लिकली इस बात को रखा ना कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं ही जानती हूँ कि लोग मेरे को किस तरीके से हीन भावना से मेरे को देखते हैं, क्योंकि हर इंसान की एक जैसी सोच नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए सही है तो कुछ लोगों के लिए गलत भी है। योगी जी से मिले तो उस बारे में बताइए। योगी जी से नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई थी उनसे हमारे। उस समय मेरी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि मैं धरने पर थी ना। हाँ, 5 दिन तक धरने पर रही थी मैं भूखी प्यासी। उसने तो एक ही दिन में हटा दिया था मुझे। उसके बाद मैं धरने से ही उठ के योगी जी से मिलने गई थी कि मैंने मतलब प्रण किया था कि मैं जब तक योगी जी से मिल नहीं लूँगी तब तक मैं अनजल ग्रहण नहीं करूँगी। तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी, बहुत मतलब बहुत कमज़ोर हो गई थी, फिर तो चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी, ऊपर से फिर बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी रही थी मैं। तो ये था, पर मेरी मुलाकात उनसे हो नहीं पाई थी। पर मेरी ये मेरा दिल कह रहा था कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। काफ़ी लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट की थी कि मिला दें, पर कोई मिलाने को तैयार नहीं था। योगी जी से? हाँ, योगी जी से किसी ने नहीं मिलाया। तो मतलब आप क्या चाहते हैं अभी? बस मैं ये चाहती थी कि मेरे बच्चे को सुरक्षा मिल जाए, जिस तरीके से उसके खून के प्यासे बने बैठे हैं ये लोग, पूरी फैमिली। कहते हैं औरत को तो औरत का दर्द आता है, औरत सामने खड़े होकर एक गर्भवती लड़की के ऊपर हमला करवा रही है, उसकी दोनों मतलब दोनों बीवियाँ वहाँ सामने मौजूद हैं, और बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि नहीं ऐसी हरकत मत करो। तो पूरी तरीके से पूरा परिवार इन्वॉल्व है इस पूरी घटना में। मेरी इच्छा थी कि मेरी मतलब योगी जी से मुलाकात हो। एक वही व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं, और महिला के प्रति बहुत सम्मान है। मैं ये चाहती हूँ कि पब्लिकली मेरे बच्चे का DNA हो, ये साबित हो कि ये बच्चा असल में है किसका, इसका बाप कौन है, ये साबित होना चाहिए। और उन लोग जो उन लोगों की जिस हिसाब से उन्होंने गुनाह किया उस हिसाब से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरा यही है, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं। और शादी वादी आप करोगे या नहीं? नहीं, मैं अब शादी नहीं करूँगी। मैं शादी के लिए जो लोग बोल रहे हैं, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। आजकल हस्बैंड वाइफ कह सकते हो, वाइफ है इधर उधर मुंह मार रहे हैं, हस्बैंड है इधर उधर मुंह मार रही है वाइफ, नहीं रियली है जी। और मैंने ऐसे बहुत से देखे, खुद शादीशुदा होकर मेरे को कई लोगों ने लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए बोला। अगर एक एक के नाम ले लूँगी ना, घर में अभी आग लग जाएगी, इन लोगों के बर्तन फेंकने लग जाएंगे। तो मैंने डायरेक्ट मना कर दिया। तो उनमें से कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि मैं किसी की बहन बनने के लायक नहीं हूँ, किसी की मतलब पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ अगर मैं किसी लड़के को घास नहीं डालती तो।